नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे NPK 19-19-19। बहुत से किसान भाई इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं और काफी अच्छी तरीके से उनको इसके रिजल्ट भी पता है। बहुत सी कंपनियां यह NPK फॉर्म 19-19-19 प्रोवाइड कराती है, लेकिन कुछ कंपनियों के NPK जो फॉर्म होता है वाटर सोल्यूबल काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उनमें मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी अच्छी क्वालिटी के NPK कंटेंट आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। और अब हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधे को क्या बेनिफिट है और हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और यदि इस प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह देखिए आप NPK, अब इसका महत्व क्या है देखिए। एन का अर्थ होता है नाइट्रोजन, क्या होता है नाइट्रोजन। पी का अर्थ होता है फॉस्फेट, क्या होता है फॉस्फेट। के का अर्थ होता है पोटेशियम, क्या होता है पोटेशियम। यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास, और जिसको हम पोटेशियम बोलते हैं, ये तीनों ही समान मात्रा में है, यानी कि एक ही मात्रा है तीनों के अंदर, यानी कि तीनों की बराबर मात्रा में ये कंटेंट है। अब बात आती है कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम हमारे पौधे के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए नाइट्रोजन का पहले हम जान लेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन है तो इससे क्या होता है कि ये हमारे पौधे को ग्रोथ दिलाने का काम करता है। क्या करता है? हमारे पौधे को ग्रोथ दिलाने का काम करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, यो पत्तियों को डेवलप करता है, यानी कि पत्तियों के आकार को बड़ा भी करता है, निर्धारित करता है और हरापन करता है। क्या करता है? पत्तियों में ग्रीननेस लाता है, सबसे अच्छी महत्वपूर्ण विशेषता है दूसरी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये पौधों को प्रोटीन से मिलाता है। क्या करता है? नाइट्रोजन पौधों को प्रोटीन से मिलाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण एक और तीसरी विशेषता हो गई है। चौथी विशेषता की बात करते हैं तो यह विटामिन प्राप्त करवाने में भी सहायता करता है। क्या करता है? विटामिन, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन को भी यह प्राप्त करवाने में सहायक है। अब बात आती है, देखिए ये कोशिकाओं का विभाजन होता है, जो अपन देखते हैं कि कोई भी पौधा है उसके कोशिकाएं विभाजन हो रही है तो उसमें यह डेवलप करने में काफी अच्छा सहयोग प्रदान करता है। कौन करता है? नाइट्रोजन। और सबसे ज्यादा आप देखते होंगे जैसे ही हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी पौधे के अंदर आप देखोगे नाइट्रोजन डालते ही एक दो दिन के अंदर आपको एकदम ग्रीननेस नजर आती है। यानी कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने पर हमें पौधों में हरापन ज्यादा दिखाई देता है। ओके, ये इसकी सबसे एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। ये तो हो गई है नाइट्रोजन के मेन बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि इसके जो फॉस्फेट है उससे क्या क्या बेनिफिट है। तो देखिए पौधों में जड़ों का डेवलप करता है, कैसे? जड़े को काफी डीप तक फैलाता है, जड़ों का विकास करता है। और जैसे ही जड़ों का अच्छा विकास होगा तो क्या होगा कि फल फूल अच्छा आएंगे, क्या होगा? फ्लावरिंग काफी अच्छी आएगी, यानी कि जड़े काफी अच्छी रहेगी ऑटोमेटिकली, तो पौधा अच्छा डेवलप होगा। और पौधा अच्छा डेवलप है तो फ्लावरिंग भी काफी अच्छी आएगी जिससे फल भी काफी अच्छे लगेंगे। और क्या करता है ये? देखिए फॉस्फेट फल को निर्माण करने में, यानी कि जो फल है अपना बन रहा है उसको प्रॉपर साइज में बनाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। ओके, और एक और विशेषता है इसकी, ये जब हम फल को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम बहुत बार देखते हैं कि पौधे से बीज बनाते हैं, तो ये पौधों से बीज को बनाने में भी सहयोग प्रदान करता है। फॉस्फेट का इतना महत्वपूर्ण है कि यह पौधों से जब हम बीज का निर्माण करते हैं तो उसमें अच्छे अच्छी क्वालिटी के बीज बनाने में फॉस्फेट काफी सहयोग प्रदान करता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि इसमें के पोटेशियम, पोटेशियम का क्या बेनिफिट रहेगा। तो देखिए यह क्या करेगा, फल की क्वालिटी को बेहतरीन करता है। क्या करता है? जैसे फल का आकार अच्छा नहीं आ रहा है, फल में क्वालिटी नहीं आ रही है, तो उसको अच्छी क्वालिटी लाने के लिए पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं बीज निकालते हैं, जैसे जब हम पौधे से बीज निकालते हैं
तो क्या होता है कि ये बीज की क्वालिटी को अच्छा भी करता है, क्या करता है, बीज की क्वालिटी को अच्छा करता है। और एक और इसकी बात है, ये जब हमारा फल लगता है तो फल का आकार क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि फल छोटा है बड़ा है, तो ये फल के आकार को निर्धारित करने में भी सहायक है। क्या है, सहायक है, यानी कि यदि फल का आकार, जैसे हमारे कोई भी लेते हैं अमरूद लेते हैं, अमरूद का फल हमारा जो छोटा आ रहा है तो उसको निर्धारित मात्रा में और फुलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन में भी बहुत से किसान भाई इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं, निर्धारित मात्रा में करते हैं। और ये देखिए, ये वाटर सोल्यूबल आता है, क्या आता है, 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है। इसका इस्तेमाल आप सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों के साथ साथ आप बागवान में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये 1 किलो की पैकिंग आती है, देखिए आप, 1 किलो की पैकिंग आती है। इसका इस्तेमाल आप प्रति एकड़ कर सकते हो, कितना प्रति एकड़ का इस्तेमाल करना है, 1 किलो में आप घोल के इसको 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और डिपेंड करता है कि आपकी जो क्रॉप है वो किस प्रकार की क्रॉप है, उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि इसकी एमआरपी क्या है, तो एमआरपी की बात करते हैं तो देखो ये 160 रुपये मात्र है। और किस कंपनी का है, दयाल फर्टिलाइजर कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि अनमोल एनपीके 19-19-19 नाम से आता है, जो कि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। और आप एक और प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरी कंपनी का मल्टीप्लेक्स कंपनी है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं उसके, उसका भी आप NPK4 वेरिएंट इस्तेमाल कर सकते हो। और आप एरीज एग्रो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप इसे खरीद सकते हो। और जिन किसान भाइयों ने एनपीके फॉर्म 19-19-19 का इस्तेमाल किया है, और आप कितनी मात्रा में करते हो और किस किस फसलों में आपने इस्तेमाल किया है, वह हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इसके बारे में पता चले। और आपको अब हम 052 NPK फॉर्म आता है, 052-34, एक और आता है NPK 13-045, एक और वेरिएंट आता है 12-61-0 और 11 मिला कॉम्प्लेक्स, जो भी अपन 12-11-18 कहते हैं, इन सभी के बारे में आगे मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको सारी जानकारी बताऊंगा। और इनके साथ में आप देखिए, जब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हो तो इसके साथ में आप कभी भी जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि जिंक हेप्टाहाइड्रेट हो या मोनोहाइड्रेट हो, आपको किसी भी प्रकार, ये दोनों जो 33% 12% के अंदर आते हैं, यानी कि जिंक 33%, जिंक 12%, मोनोहाइड्रेट हेप्टाहाइड्रेट, इनका इस्तेमाल इसके साथ में नहीं करना है। यदि आप करोगे तो आपको किसी भी फसल के अंदर प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, रिजल्ट मिलेंगे ओनली 50-60% रिजल्ट ही आपको मिल पाते हैं। इसके साथ में आप किस कंटेंट को मिलाओगे, मैं आगे आने वाली एक वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कौन कौन से कंटेंट को आप मिला सकते हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।